आज हम पढ़ेंगे नर्वस डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हमारे पास दो टाइप हैं, दैट इज नोन एज अ पैरालिसिस और जो दूसरी है दैट इज न्यूरोसिस। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास पैरालिसिस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास वस्कुलर डिजीज है। ठीक है जी। हम यहाँ साथ साथ मेंशन करते जाते हैं दैट इज वस्कुलर। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास वस्कुलर डिजीज है। ठीक है जी। वस्कुलर डिजीज है, और ये डिजीज हमारे पास कहाँ पे पाई जाती है, ये ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है जी। जिसको हम दिमाग भी कहते हैं। तो इसके बाद ये है कि अब ये होती किस तरह है, ये किस तरह जो है बॉडी को इफेक्ट करती है। तो कहा ये जाता है कि जो हमारे पास पैरालिसिस है, ये हमारे पास जो ब्लड है वो क्लॉट सा बना लेता है। ठीक है जी। ब्लड जो है वो क्या कर लेता है, वो क्लॉट सा बना लेता है। और वो क्लॉट कहाँ पे बनता है जी, वो क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है जी। ब्लड वेसल्स में जो है हमारे पास क्लॉट बन जाता है। और वो ये ब्लड वेसल्स कहाँ पे होती हैं, ये ब्लड वेसल्स जी हमारे पास होती हैं किस चीज में, ब्रेन में। ठीक है जी। तो ब्रेन की ब्लड वेसल्स में जब क्लॉट बनेगा ब्लड का, तो उसकी वजह से हमारे पास पैरालिसिस हो जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर भी वजह है किस चीज़ की, हमारे पास पैरालिसिस की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। सो ब्लड प्रेशर से भी जो है ये हो सकता है। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर से ये किस तरह हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से ये ऐसे हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं ब्लड वेसल्स, वो क्या हो जाती हैं, वो रैप्चर हो जाती हैं, पट जाती हैं। ठीक है जी। क्या हो जाती हैं, रैप्चर हो जाती हैं, दैट इज रैप्चर, RUPTURE। ठीक है जी। रैप्चर हो जाती हैं, पट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन जो है उसमें जो है ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है जी। इससे क्या होता है, इससे होता है कि ब्रेन का जो पार्ट है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये क्या कॉज करता है, ये हाई ब्लड प्रेशर जो है ये जब रप्चर हो जाता है, फिर इसकी वजह से क्या होता है, कॉज हो जाती है हमारे पास दैट, इसको हम क्या कहते हैं कि कॉज करता है ब्रेन के डैमेज को। ठीक है जी। दैट इज ब्रेन डैमेज। तो अब हम क्या करते हैं, डायग्राम ले आते हैं ताकि हम पैरालिसिस को समझ सकें। ठीक है जी। ये हमारे डायग्राम लेके आते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास दैट इज ये एक नॉर्मल सी कंडीशन, अगर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं दैट इज नॉर्मल। ठीक है जी। यहाँ बंदा जो है हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन अगर ये पैरालाइज हो जाए, ठीक है जी, ये जो कंडीशन है दैट इज पैरालाइज, अगर ये पैरालाइज हो जाए तो उससे फिर क्या होगा, उससे आप देख सकते हैं कि ये कर्व सा आ गया उसकी बॉडी में, वो स्ट्रेट अवे मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि ब्लड जो है या जो ब्रेन है उसके जो पार्ट डैमेज जाते हैं, तो क्योंकि ब्रेन क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है डिफरेंट पार्ट्स की, किसके साथ, बॉडी के साथ। ठीक है जी। तो बॉडी की जो मूवमेंट होती है या कम्युनिकेशन जो होती है वो कंट्रोल करता है ब्रेन। तो अगर वही डैमेज हो जाता है तो दैट मे लीड टू द पैरालिसिस। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ये डैमेज जो है, ठीक है, ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्प्रेरी भी हो सकता है। ठीक है जी। जो ब्रेन को डैमेज हो गया है, ठीक है, डैमेज ब्रेन में अगर कोई डैमेज आ गया है तो ये परमानेंट भी हो सकता है। मतलब क्या है कि ये सारी जिंदगी भी रह सकता है। ठीक है जी। और या जो है कुछ वक्त तक भी ये मेंटेन रह सकता है। सो दैट इज परमानेंट हो सकता है और टेम्प्रेरी होगा। ठीक है। टेम्प्रेरी का मतलब क्या है कि कुछ वक्त तक होगा, दैट इज टेम्प्रेरी, RARY, टेम्प्रेरी। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसके रेमेडी की या इसकी इलाज की अगर हम बात करें, तो हम ये कहते हैं कि इसका जो इलाज है वो तो ये है कि मेडिसिंस दी जाती हैं। ठीक है जी। मेडिसिंस दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं। अब उन मेडिसिंस का क्या फंक्शन है, वो मेडिसिन जो दी जाती हैं इस पैरालाइज पर्सन को, वो क्या करता है, वो डिजॉल्व कर लेता है किस चीज़ को, उस क्लॉट को। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टू डिजॉल्व द क्लॉट। ठीक है। जो क्लॉट बना है जिसकी वजह से हमारे पास पैरालिसिस हुई है, उसको डिजॉल्व किया जा सके। और इसके अलावा जो है मोस्टली हम कहते हैं कि उसकी फिजियोथेरेपी की जाती है। ठीक है। ठीक है जी। फिजियोथेरेपी जो है हमारे पास एक इलाज है जिसमें डिफरेंट एक्सरसाइज के तरीके जो हैं वो अपनाए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, दैट इज फिजियोथेरेपी। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास दैट इज नोन एज अ पैरालिसिस। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो दूसरी डिसऑर्डर है वो है हमारे पास दैट इज नोन एज अ
न्यूरोसिस। ठीक है जी, आपके पास डायग्राम भी आ गई है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को देख के ही जो है आपको पता लग सकता है कि ये न्यूरोसिस जो है ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है। ठीक है जी, सो न्यूरोसिस को हम ये कहते हैं कि न्यूरोसिस जो है हमारे पास ये साइकेट्रिक डिजीज है। ठीक है जी, नफ्सियाती बीमारी है। अगर आप इस तस्वीर में देखें, ठीक है, जो कि हमारे पास एक फीमेल है वो काफी डिप्रेशन में लग रही है। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाट ये हमारे पास इसको क्या है, इसको न्यूरोसिस है, ये साइकेट्रिक पेशेंट है। सो इस वजह से हम न्यूरोसिस को क्या कहते हैं कि ये हमारे पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ठीक है जी, हम यहाँ साइकेट्रिक लिख देते हैं, दैट इज साइकेट्रिक। ठीक है जी, और मोस्टली जो हमारे पास साइकेट्रिक होते हैं, जो कि डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको डील करते हैं, उनके पास अपनी जो है सॉर्ट ऑफ मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं। ठीक है जी, इनकी प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस करते हैं और फिर इन्हें सोल्यूशन बताया जाता है इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ठीक है जी, तो न्यूरोसिस हमारे पास जो है ये एक नफ्सियाती बीमारी है और इसमें मोस्टली जो हमारे पास कंडीशन होती है वो डिप्रेशन की होती है। ठीक है जी, बंदा डिप्रेस रहता है, टेंशन में रहता है। ठीक है जी, और कोई भी काम जो है उसका जो है सीधा उसका नहीं होता। इसके अलावा एंजाइटी कंडीशन में भी रहते हैं। ठीक है जी, दैट इज एंजाइटी। तो ये दो स्टेट्स हैं, ये दो जो हैं कंडीशन होती हैं इस डिसऑर्डर में, जिसे नोन एज न्यूरोसिस। तो आज हमने डिस्कस की नर्वस सिस्टम की दो डिसऑर्डर्स, या जिसको हम नर्व डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या थी, जो कि हमारे पास थी पैरालिसिस और न्यूरोसिस। तो आज हमने पैरालिसिस और न्यूरोसिस के बारे में पढ़ा।